नमस्ते दोस्तों, फसमा किचन में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पेशल टाइप का मिलत नगर का चिकन फ्राई बनाएंगे। ये बहुत टेस्टी होता है, ये रोटी के साथ और खाने के साथ खा सकते हैं। आप भी बनाइए, आप भी खाइए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन फ्राई। हमने ये 1 किलो चिकन लिया है, इसमें हम अभी ये अंडा तोड़ के डालेंगे। ये हमने अंडा डाला, हम आपको बताते हैं कैसे इसमें मसाला लगाएंगे। पहले हम फिर हम इसमें ये डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। ये देखिए, ये हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, नमक लिया है और अपना ये विनेगर लिया है, गरम मसाला है, फूड कलर है, अजवाइन ली है। ये चिकन का मसाला है, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। ये हमने सब लिया है, हमने मिर्चें डाली, हमने एक अंडा लिया है, इसमें मिर्चें डाली है हमने। अभी हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। इसमें देखिए, ये 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और हम डालेंगे अजवाइन 1/2 टीस्पून। हम इसमें नमक डालेंगे, ये आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं नमक, बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, देखिए 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा और ले लेंगे। ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। इसमें फूड कलर डालेंगे थोड़ा सा, ये देखिए इतना फूड कलर डालेंगे इसमें। ये देखिए, ये हमने लिया है चिकन का मसाला, ये हम थोड़ा डालेंगे इसमें। इसमें हम डालेंगे 2 स्पून, ये मैंने हाथ से ऐसे डाल लिया है, मुझे इसका अंदाजा है। आप 2 टेबल स्पून डालेगा। उसके बाद हम विनेगर डालेंगे इसमें, बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, आप बनाइएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये हम थोड़ा सा विनेगर डालेंगे इसमें, 1 टीस्पून, 2 टीस्पून। अब इसको हम हाथ से मिलाएंगे। अभी हम बेसन नहीं लगाएंगे, इसमें हम बेसन भी डालेंगे, अभी हम आपको बेसन बताएंगे। लेकिन इसको पहले मसाले को लगा के हम हाथ से अच्छी तरीके से, चमचे से नहीं मिलेगा ये, हाथ से बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा। इसको मसाले को लगा के हम 1 घंटा रखेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बेसन हम बाद में डालेंगे, 1 घंटे बाद हम बेसन डालेंगे इसमें। इसको हम 1 आवर रखेंगे कम से कम। देखिए अच्छी तरीके, देखिए इसमें मसाला लग गया है। अंडे से बहुत अच्छा वो आता है इसमें, क्रिस्पीपन। लोग चावल का आटा भी डालते हैं इसमें, कॉर्नफ्लोर भी डालते हैं आटा, लेकिन हम नहीं डालेंगे, हम सिर्फ बेसन डालेंगे, चने का आटा। ये देखिए, ये मैंने अच्छी तरह मिला लिया है, ये देखिए ये अच्छी तरह मिल गया है हाथ से। अब इसको हम 1 आवर रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 1 आवर पूरे हो चुके हैं। अब हम देखिए, इसमें 1 कटोरी 1/2 कटोरी हमने बेसन लिया है, चने का आटा। अब हम इसमें ये मिक्स करेंगे, अगर हमें कम लगेगा तो हम थोड़ा सा और ले लेंगे। ये हम 1/2 टीस्पून और डाला है हमने इसमें, ये 1/2 टीस्पून हो गया। इसको हम फिर मिक्स करेंगे। हम बेसन ज्यादा नहीं लगाएंगे इसमें, बेसन ज्यादा लगाएंगे तो फिर वो मोटा मोटा अच्छा नहीं लगेगा। ये फ्राई बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरी हौसला अफजाई करिए, मुझे बताइए कमेंट्स में कि मेरे आपको कैसे लगता है ये चिकन फ्राई। बना के देखिएगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। देखिए
बस हम इतना ही बेसन मिलाएंगे इसमें। देखिए ये हमारा मसाला लग गया है। अब मसाला लग गया है पूरा, बेसन लगा है। अब हम इसको पूरा एक घंटा और रखेंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे ये 1 आवर पूरे हो चुके हैं। ये देखिए हमारा ये अच्छी तरीके से इसमें लग गया है चिकन में। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई के लिए हम इसमें कढ़ाई रखेंगे। देखिए कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल डाल के रखा है कढ़ाई में। अब इसको फ्लेम को फुल करेंगे, मीडियम में नहीं करेंगे अभी। अभी देखिए हमारा ऑयल ये अभी हुआ नहीं है। एक एक करके हम इसमें पीस डालेंगे फ्राई के। ये मेरा चिकन फ्राई है, बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। इसको ग्रीन चटनी के साथ, सैलेड के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, ऐसे ही रूखा भी खा सकते हैं इसको। ये देखिए मैंने 1 पीस डाला इसमें। देखिए अभी इसमें मैंने 1 पीस डाला है। ये देखिए ऐसे करके हम सारे पीस डाल देंगे इसमें। 5 मिनट तक इसको पकाएंगे। हम इसको 2 बार फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। एक बार इसको थोड़ा कच्चा करके निकालेंगे और दूसरी बार में इसको जब हम खाएंगे तो इसको फिर दोबारा फ्राई करेंगे। अब इसको 2-3 मिनट तक पकने दीजिए ऐसे ही। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा हाफ फ्राई हो गया है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। देखिए ये हमारा हाफ फ्राई हो गया है। अब हम इसको बाहर प्लेट में निकालेंगे। ऐसे ही हम सारे पीसेस कर लेंगे, इसको फ्राई करेंगे। ये हमने हाफ फ्राई करा है। अभी हम 2 बार फ्राई करते हैं इसको। ये हमारा हाफ फ्राई हुआ है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। ऐसे ही हम सारे पीसेस इसमें डाल देंगे। हम सारे पीसेस इसमें डालेंगे। ये देखिए हमारे सब हो गए फ्राई। अब हम इसको दबा के निकालेंगे। ये देखिए हमारे फ्राई सारे एक बार के फ्राई हो गए। तो हम इसको ऐसे हल्का सा दबाएंगे और इसको एक बार और फ्राई करेंगे। देखिए इसको फ्राई करके निकालेंगे। फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। देखिए फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। इसमें मसाला डालेंगे। तरीके से फ्राई करेंगे। 2 मिनट पकने देंगे इसको ऐसे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा फ्राई हो गया पूरा। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। देखिए अब इसमें और डालेंगे हम। ये हमने और डाला इसमें। ये हमारा फ्राई हो गया। इसमें हम मसाला डालेंगे। ये चाट मसाला लिया है हमने। ये चाट मसाला डालेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ये हमें बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। बाय।